नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जैसे कि पता है हमारे जो चैनल है कुशेश्वर स्थान में नंबर वन पे आता है। इस वक्त हम लोग दरभंगा जिला और समस्तीपुर जिला के बीच में खड़े हैं, जहां से अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। यहां एक खबर है और ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जो बाढ़ क्षेत्र इलाका है यहाँ। और हमारा देश जो है भारत आज़ाद हुआ करीबन 72 साल के आसपास होने वाला है, 71 शायद कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी बावजूद भी दरभंगा जिला में अभी तक कहीं भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ। यहाँ का ग्रामीण चाहते हैं कि हम लोगों को भी वही फैसिलिटी मिलना चाहिए जो शहर के लोगों को मिलता है, पर इन लोगों को पानी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं जिसके कारण फैसिलिटी नहीं मिल पाते हैं। अभी देख सकते हैं जो पुल है, बांस का पुल है, जो ग्रामीण के द्वारा ही बनाया गया है और ये लोग अपना आना जाना करते हैं यहाँ से। पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन लोगों को अलग सा कोई भी पुल बना के नहीं दिए हैं, ताकि उन लोगों को कहीं बाज़ार जाना होता है। यहाँ से अभी हसनपुर करीबन 14-15 किलोमीटर होंगे, तो उन लोगों को जाने के लिए पुल का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि उन लोगों को सुविधा मिले आने जाने के लिए। कुछ यहाँ पे ग्रामीण है, लोकल लोग हैं, उन लोग से हम बात करते हैं कि कितना साल क्या है, ऐसा बात करते हैं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए महिसोत गांव से सुरेश चौपाल ने कुछ रुपए डोनेट किए हैं। अगर आप भी हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे नंबर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शशि रंजन कुमार हुआ। अच्छा, ये आप लोग ये जो पुल का आसपास मतलब आना जाना करते हैं, ये पुल जो बना है ये क्या आप लोग खुद से बना है या प्रशासन के द्वारा बनाया गया? पुल जो है 2001 में हम लोग ग्रामीण चंदा करके करीब 50-52 हजार रुपया प्रति वर्ष लगता, साल लगता है। 250 बांस करीब हम लोग खरीद कर लाते हैं, 250 रुपये प्रति बांस खरीद कर लाते हैं, जन सहयोग से बनता है। और मुफ्त यहाँ के लोग जो 50 गांव के लोग इस पुल पर आवागमन करते हैं। अच्छा, आप लोग बाजार जब जाते हैं तो यही पुल का सहारा लेना पड़ता होगा? बाजार जाने के लिए मुख्य यही है, हम लोग हसनपुर बिथान जाते हैं, यही इसी पुल के माध्यम जाते हैं। प्रत्येक साल या बाढ़ में यह पुल भंस जाता है, फिर पुनः चंदा करके ग्रामीण जन सहयोग करके पुल बनाते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। इसमें 2007 में हमारे चचेरा भाई थे मकेशर यादव, इस पुल पर उस पार से आ रहे थे, उसी पुल टूट जाने के कारण करीब 35 आदमी उसमें गिर गए थे, उनमें मकेशर यादव की मृत्यु भी हो गई थी, जो हिंदुस्तान पेपर में भी निकला था। और हम भी यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं, हम भी गिर गए थे, मेरा भी छाती का 3 हड्डी टूट गया था, करीब 2 महीना तक हॉस्पिटलाइज रहे। लेकिन प्रशासन, बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, बहुत लोगों को हम लोग संपर्क किए, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में भी आवेदन दिए हैं, पेपर का कटिंग दिए, उसके बाद पुल का फोटो भी दिखाए, लेकिन अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। किसी तरह हम लोग अपना गुजारा करते हैं यहाँ से, किसी तरह हम लोग अपना चंदा चुटी करके। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। श्रवण कुमार यादव। पुल नहीं होने के कारण आप लोगों को कितना तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। किस टाइप में थोड़ा बताएंगे? मतलब नाव पर पार करते हैं तो बहुत समय लगता है, इसलिए बाजार जाने में देरी होता है। अच्छा, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? पुल चाहते हैं। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। पंकज कुमार यादव। अच्छा, आप लोगों का पुल नहीं होने के कारण कितना सुविधाएं होती है, जैसे कि आप लोग मर्द है, अगर लेडीज और बच्चे को आना जाना पड़े तो क्या उन लोगों की समस्याएं रहती है? बहुत समस्या रहता है, लेडीज बहुत मान के चलिए इस पुल पर चढ़ना भी नहीं चाहती है, डर लगते रहता है चढ़ने, बहुत डर लगता है। या कब टूट जाएगा कोई ठीक नहीं है। पुल मान लीजिए बांस का पुलिया है, अभी तो आप सामने में देख रहे हैं 300-400 आदमी का आवागमन हो रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, कब टूट जाएगा? पुनः फिर दुर्घटना हो सकती है, कोई बात नहीं, पुनः दुर्घटना हो सकती है। फिर भी हम लोग क्या करें, निःशुल्क ग्रामीण चंदा करके 21 साल से बना रहे हैं, लेकिन
सरकार के लोगों को कहते 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 तो हम लोग थक गए। विधायक हों या मंत्री हों, ये उपचुनाव में भी मंत्री साहब भी आए थे हमारे गांव बघमारा, उनको भी कहा गया, सब ग्रामीण लोग भी कहे, लेकिन इस पर क्या अब दुख है, दुर्भाग्य है कि हम लोगों की बात को नहीं सुना जाता है, हम लोगों को बात को नहीं सुना जा रहा है, या दुर्भाग्य कहा जाए, इस इलाका के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। हम लोग क्या करें, किसी तरह 55,000 रुपया इस बार भी लगा है, चंदा करके ग्रामीण अपना पुल बनाते हैं किसी तरह, 21 साल से हम बनाते आ रहे हैं। अगर आप पूछ लीजिए पूरा ये 50 गांव के लोगों को निःशुल्क लोगों को आना जाना हो रहा है। आपको एक थोड़ा रोक रहा हूँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि शहर के लोगों को जो सरकार है अपना बिहार सरकार, शहर के लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता है, पर गांव के लोगों को काहे नहीं सुविधा दिया जाता है? गांव के लोगों को नहीं, गांव में अशिक्षा है, लोग उतना पढ़े लिखे जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो सरकार पर या प्रशासन पर उतना दबाव नहीं बना पाते हैं। शहर के लोग शिक्षित हैं, वहाँ शिक्षित लोगों का जमावड़ा रहता है, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। हम लोग ग्रामीण लोग यहाँ अशिक्षित लोग सब रहते हैं, इन लोगों के बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाँ वही बात है, पूछिए इनसे, हमारे वार्ड सदस्य है, ये भी अपना सलाह विचार दे रहे हैं इस पुल के बारे में, कितना हम लोगों को मेहनत करने के बाद पुल बना। आप लोग ये पुल से हमेशा आना जाना करते हैं, आप लोग खतरा के सामना करना पड़ता होगा? बार बार खतरा होता है। अभी एक दो साल पहले कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है क्या? जी जी बिल्कुल हुआ है, बराबर हुआ है, मौत हो चुका है एक आदमी का, मुकेश यादव। जैसे कि आप आपको जैसे यहाँ लोकल लोग है वो बता रहे थे करीबन 22-21 साल से लोग अपना खुद का चंदा करके ये पुल का निर्माण करते हो, अभी बांस का पुल पे, जो अभी बहुत ही कम जगह है जो देखने को ऐसा मिलता है, नहीं तो बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ पे पुल का निर्माण कर दिया गया, पर बिहार सरकार जो है सिर्फ वो कोरोना में ध्यान दे रहे हैं। उस कोरोना से भी क्या हो रहा है कि कितना जो विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों को उनको पढ़ाई 10वीं का भी एग्जाम है, फिर भी अभी सब कुछ शिक्षित स्थान जो है उनको बंद कर दिया गया, वो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, एग्जाम कैसे देंगे, इस सब पर कोई विचार नहीं। और खास करके ज़्यादातर वो दारू पे ध्यान दे, ऐसा कौन सा जगह होगा जहाँ दारू नहीं मिलता होगा? हर एक गाँव में दारू मिलती अभी भी, पर विकास के नाम पर सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि हम जहाँ से भी हैं जहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं उस जगह यहाँ पे बाढ़ क्षेत्रीय इलाका है जहाँ पे विकास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज आपको बताते चले कि एक सर्वे से पता चला है कि 70% लोग जो है गांव से बिलोंग करते हैं, शहर में 30% होते हैं, फिर भी गांव में विकास नहीं होता है पर शहर में ज़्यादा विकास होता है। और एक चीज़ बता देते हैं कि अपना चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे मीडिया वाले होते हैं, हम मीडिया वालों को भी टारगेट कर रहे हैं कि उन लोगों को गाँव में क्या दिक्कत हो रही, गाँव के लोगों को क्या परेशानी होती है, कभी आपसे हालचाल लेने नहीं आएगा, सिर्फ वो अपना व्यू बढ़ाने के लिए अपना पैसा कमाने के लिए नेता के पीछे जाएंगे कि वो हमें क्या बाइट दे रहे क्या ये सब ध्यान देंगे, पर विकास के मुद्दा पे वो लोग कोई खरे नहीं उतरते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पुल पे कुछ लोग से बात कर लेते हैं, आपसे बताते चलते हैं। अभी दो बाइक निकालने के लिए कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन लोगों को, और ये पुल है ये एक खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है, यहाँ पे एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, डर लगता है, डर सा महसूस होता है कोई भी, खास करके बच्चे लोग और महिलाएँ को भी। कुछ बाइक वाले हैं जो ये पुल पार कर रहे हैं, उन लोग से हम बात करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं जो पुल है बांस का बनाया गया है ग्रामीणों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा बताए जा रहे थे कि 21 साल से कंटिन्यू वो लोग अपने चंदा करके, ग्रामीणों लोग अपने चंदा करके और पुल का निर्माण करते हैं। पुल से कितना खतरा हो रहा है, अभी हम इस पर चढ़ के जा रहे हैं, इतना मुझे डर लग रहा है जिसका हम बता नहीं सकते हैं। और देखिए बच्चे लोग भी आना जाना कर रहे हैं, इन लोगों को काफ़ी डर लग रहा है, और कुछ बाइक वाले भी देख सकते हैं कि बाइक लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं, इन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना होता है, पर प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कुछ भी ग्रामीणों के हित में काम नहीं कर रहे हैं और पुल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। अनिरुद्ध यादव। अच्छा आप बाइक लेके पुल से जाना आना जाना करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? लगता है डर, देख रहे तो जैसे कि बाइक वाले भी है वो लोग को भी कितना डर लगता है आपको दिखाते चल रहे हैं। यहाँ का विजुअल आप देखिएगा कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कि इतना दिक्कत उन लोगों को सामना करना पड़ता है। एक तो पहली बात यहाँ 6 महीना बाढ़ रहती है, और बाढ़ रहने के बाद सूखता है, तो भी अभी सूखने के बावजूद बाढ़ जब चला गया है उसके बावजूद भी यहाँ पे पुल से आदमी आना जाना करते हैं। कुछ भी ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा विकास के मुद्दा पे, ताकि उन लोगों को
फ़ायदा मिले, ग्रामीण लोगों को फ़ायदा मिले और वो लोग बाज़ार भी जाते तो इसी पुल होके उन लोगों को जाना पड़ता है और आना पड़ता है। तो देखिए किस हिसाब से लोग बना के अपना जीवन यापन करें, पर सरकार के द्वारा कुछ भी ऐसा, प्रशासन के द्वारा कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा ताकि गाँव वाले और यहाँ के लोकल लोगों को हेल्प मिले और उन लोगों के द्वारा कुछ भी फ़ायदा हो सकता है, ऐसा कुछ भी सरकार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है अभी कुशेश्वर स्थान पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा है और आप लोग से ऐसे ही मदद करते रहिए और हेल्प करते रहिए ताकि हमारा चैनल और ग्रो हो और हम अपना बात और यहाँ के लोगों को जो लोग है उन लोगों को हेल्प मिलता रहे। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम है मैंने शंभू सहनी। नहीं नहीं मास्क काहे खोलेंगे, हमारा लॉकडाउन का पालन हमको करना पालन, मतलब हमारा नाम है शंभू सहनी कोराही। मैंने क्या पूछना चाहते हैं पुल के, हम पूछना चाहते हैं कि पुल पे आप लोग आना जाना करते तो आप लोग उनका डर नहीं होता है? नहीं, इसमें जो है सो जो हमारा माननीय विधायक है जी, दरभंगा जिला को हो या समस्तीपुर जिला को हो विधायक, उनका हम मतलब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें कमला नदी जो है, कमला नदी में हमको पुल निर्माण होना चाहिए। हमारा माननीय विधायक जो पहले वाला था राजकुमार राय जी जो था, वो उद्घाटन भी करके गए थे लेकिन अभी फिलहाल में वो हार गए हैं। हमारा वो जो है विधायक, अभी माननीय विधायक जो है तेज प्रताप जी है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पुल कमला नदी वाला पुल बन जाना चाहिए। दरभंगा जिला से भी हम बोलते हैं कि हमारा पुल जो है से दोनों आदमी को निर्माण में बन जाना चाहिए, दोनों विधायक के निर्माण में बन जाना चाहिए। आपको बताते चले कि कोसी यहाँ पे पहले मेला लगता था, पर अभी कोरोना गाइडलाइन के कारण कोसी मेला को कैंसिल कर दिया गया है। बहुत श्रद्धालु कम ही आते हैं, पर वहाँ पे मूर्ति बैठाया गया है और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके मूर्ति को पूजा करते हैं, अपना श्रद्धालु लोग। तो देखिए जो मुद्दा है ये है कोराही और बगमारा के बीच में जो कमला नदी है उनके ऊपर ग्रामीणों के द्वारा पुल का निर्माण किया गया, वो भी कौन सा पुल, बांस का पुल का निर्माण किया गया है। और हम जो भी यहाँ का चाहे MLA हो समस्तीपुर जिला का या दरभंगा जिला का, दोनों बॉर्डर है, दोनों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के जनता के लिए आप लोग कुछ कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी खबर लेके, क्योंकि हमारा जो काम है गांव में विकास होना चाहिए, इस मुद्दे पे हम ज़्यादा काम करते हैं, आप वीडियो में ही देखते होंगे। तो आप अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो मीडिया वाले हैं सिर्फ वो अपने नेता लोगों का ही न्यूज़ दिखाएंगे और टाउन का ही न्यूज़ दिखाएंगे, पर गांव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो लोग कभी नहीं, अगर कोई मर जाए तो ही वो आपको दिखेंगे, अदरवाइज विकास के नाम पे वो लोग कभी दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां से TRP नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग कभी दिखता नहीं है। पर हम लोग उनका जो चैनल है वो आपको सिर्फ गाँव का ही मुद्दा दिखाएंगे, चाहे समस्तीपुर जिला हो या दरभंगा जिला हो या खगड़िया जिला हो या सहरसा जिला हो, इस मुद्दा पर हम लोग उनको ज़्यादा काम करते, हम लोग उनका टीम जो है ज़्यादा काम करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के लिए। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, निवासी हैं, उनसे हम बात करते हैं, अगर ये पुल का निर्माण हो जाता है तो कितना विकास होगा, क्योंकि आने वाला टाइम में यहाँ पे एक स्टेशन बनने वाली है, ये सब मुद्दा है, इनसे हम बात करते हैं। एक चीज बताइएगा, ये अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो पब्लिक को कितना फायदा होगा? अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो यहाँ जो है यह कृषक बहुल इलाका है, बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ बहुतायत से गन्ना का खेती होगा और गन्ना का खेती होने पुल बन जाने से किसान यहाँ से हसनपुर चीन मिल सुविधा से अपना ईख बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, नगदी फायदा भी होगा, साथ ही साथ यहाँ का आर्थिक स्थिति भी लोगों को बदलेगा। इस पुल के बन जाने से 17 नंबर जो पुल सहरसा तरफ जो गई है उससे डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, तो यहाँ से सहरसा आवागमन की भी सुविधा अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ बगल में कोराही स्टेशन जो हसनपुर सकरी रेलवे लाइन जो है उसमें कोराही, बीच में कोराही स्टेशन है, यहाँ से आधा किलोमीटर पश्चिम कोराही स्टेशन है। अगर पुल बनने से लोग आराम से रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन पर आने ट्रेन पकड़ने में बहुत बड़ी सुविधा होगी और यातायात का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी यहाँ के लोगों को सुधरेंगे।